नमस्कार दोस्तों, आज आपका पाल्मिस्ट्री ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक 46 वर्ष व्यक्ति के वास्तविक हाथ का विश्लेषण करेंगे, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में ऑडिटर के पद पर कार्यरत हैं। इनका पहला सवाल है, मेरी मैरिज लाइफ बहुत खराब है। और इनका दूसरा सवाल है कि मेरी नौकरी के दौरान मेरी पदोन्नत कब होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, कृपया इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आइए इनके हथेली को देखते हैं। इनका जो हथेली है, एक वर्गाकार। ऐसे लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं। और हथेली के मुताबिक इनकी उंगलियां छोटी हैं, तो ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। अब इनके हम बुध की फिंगर को देखते हैं। बुध की फिंगर सन के पहले पोर तक पहुंच रही है। ऐसे लोगों को बेसिक सफलता आसानी से मिलती है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, तेज बुद्धि वाले, याददाश्त अच्छी होती है, मनी मैनेजमेंट और चीज़ों को अच्छी तरह से संभाल कर रखने वाले होते हैं। और ये बुध का पर्वत थोड़ा सा उठा हुआ है। अगर बुध का पर्वत उठा हुआ होता तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, बोलने में कुशल होते हैं, अच्छा वक्ता होते हैं, खुश मिजाज, बोलने की कला तथा सुंदर होते हैं। अब यहाँ पर बुध का पर्वत थोड़ा सा ये उठा है, तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, अपने काम के प्रति अपना नाम भी कमाना चाहते हैं। अब हम इनकी सन की फिंगर को देखते हैं। ये सन की फिंगर है। सन की फिंगर गुरु के फिंगर से थोड़ी छोटी है, तो ऐसे लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है, अधिक संघर्ष करना पड़ता है। और सन का पर्वत जो थोड़ा सा दबा हुआ है, और सन की ये रेखा जो है थोड़ी सी टेढ़ी होकर चल रही है, तो ऐसे लोगों को अपनी सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन थोड़ा संघर्ष के बाद मिलती है। लाइफ में इनको संघर्ष करना पड़ता है। अब यहाँ पर इनके एक ज्ञान रेखा है, ये ज्ञान रेखा है। ऐसे लोग दूसरों को अपने बुद्धि और विवेक के बल पर लोगों का समझाने का काम करते हैं। इनका माइंड दूसरों के लिए काफ़ी हित का काम करता है। अब इनके हम शनि के फिंगर को देखते हैं। शनि की फिंगर बिल्कुल सीधी है। शनि पर्वत समान रूप से उत्तम है, तो ऐसे लोग कम बोलने वाले, इनके दोस्त भी कम होते हैं। अकेले में रहना अच्छा लगता है, अपने कर्म पर विश्वास करते हैं। अब इनके हम गुरु की फिंगर को देखते हैं। गुरु की फिंगर सन की फिंगर से थोड़ी बड़ी होती है, तो ऐसे लोगों को ईगो की प्रॉब्लम होती है। अब इसी के साथ इनके अंगूठे का पोर देखते हैं। अंगूठा इनका काफ़ी सशक्त है। ऐसे लोग सख्त निर्णय लेने वाले होते हैं, किसी के प्रति झुकते नहीं हैं। और ऐसे लोगों को प्यार से काम कराया जा सकता है। ऐसे लोगों को मीठी बोली बोलकर ऐसे लोगों को चीज़ें हासिल की जा सकती हैं। और यहाँ पर इनका जो दूसरा पोर है, ये काफ़ी सशक्त है, मांसल लिए हुए हैं। ऐसे लोग अपने हितों की रक्षा भी करना जानते हैं। और यहाँ पर एक बुद्धा आइज बनी है। जब बुद्धा आइज बनी होती है, ऐसे लोगों का जो माइंड होता है ना, काफ़ी तेज़ होता है। हर एक्टिविटी को समझने के अंदर एक इनके कुशल शक्ति होती है, और इनका माइंड काफ़ी बेहतरीन ढंग से काम करता है। अब इसी के साथ इनके हम हृदय रेखा को देखते हैं। इनकी हृदय रेखा शनि के पर्वत तक पहुंच रही है। ऐसे लोगों को किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं, अपने काम से काम मतलब रखते हैं। और ऐसे लोगों की थोड़ी सी कामुक भावना होती है। और ऐसे लोगों को अपने पत्नी के प्रति कई बार हाथ भी उठा लेते हैं। अब इसी के साथ
हम इनकी माइंड लाइन को देखते हैं। माइंड लाइन इनकी काफ़ी अच्छी है और ऐसे लोग गुरु के पर्वत से अगर माइंड लाइन पहुंचती है तो ऐसे लोग काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं और अपने काम के प्रति काफ़ी उत्साहित होते हैं। ऐसे लोगों को सफलता अवश्य मिलती है और ये उच्च का मंगल है। ऐसे लोग अपने दोस्तों का आदर और सम्मान करते हैं, जिसके साथ होते हैं तो काफ़ी मित्रतापूर्ण व्यवहार निभाते हैं। अब इनकी जीवन रेखा देखते हैं। जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा से थोड़ी सी अलग होकर चल रही है, तो ऐसे लोग जो होते हैं भिन्न विचारों वाले होते हैं, अपनी मर्जी करने वाले होते हैं, क्योंकि मंगल का पराक्रम होता है अपने पराक्रम को दिखाना, अपनी बात को एक्सप्लेन करना, ये दूसरों के दबाव में काम नहीं करते हैं। ऐसे लोग अपने मन की करने वाले होते हैं और सच करते हैं, इनको सच वाली चीज़ें पसंद है। अब यहाँ पर एक यहाँ पर रेखा इनके निम्न मंगल की तरफ जा रही है, तो ऐसे लोग मंगलिक होते हैं, अपने मंगल के पराक्रम की वजह से हर काम करते हैं, लेकिन इनको अगर थोड़ा सा प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है तो ये विस्फोटक का काम करते हैं, गुस्से का स्वभाव बढ़ जाता है, काफ़ी चिड़चिड़ापन इनके माइंड पे बातें क्रिएट करने लगती हैं। अब इसी के साथ इनके हम भाग रेखा को देखते हैं। ये इनकी भाग रेखा इनकी केतु के पर्वत से चलकर ये शनि के पर्वत तक पहुंच रही है, तो ऐसे लोगों को लाइफ में अवश्य संघर्ष कराती है, लेकिन इनकी जो मैरिज होती है, इनकी मैरिज का इनकी पत्नी के एज में अंतराल होता है। अब इनके हम पहले सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इनकी मैरिज लाइफ बहुत ख़राब है। सबसे पहले हम इनका देखते हैं, ये जो गुरु का पर्वत है शनि की पर्वत की तरफ झुका हुआ है। शनि की पर्वत की तरफ जब झुका होता है तो ऐसे लोग परिवार में थोड़ा सा कलेश का काम करते हैं, वाद विवाद पैदा होता है और इनकी जो मैरिज लाइफ ख़राब है। हम बुध की रेखा को देखते हैं, जिसको हम विवाह रेखा कहते हैं, पणसूत्र रेखा कहते हैं। इनकी ये विवाह रेखा यहाँ से चल के ये शनि के रेखा में मिल रही है, तो ऐसे लोगों का जो वैवाहिक जीवन होता है ख़राब हो जाता है। पति और पत्नी से दूरियाँ बना लेते हैं, एक दूसरे का रिश्ता काफ़ी चलना मुश्किल हो जाता है और ऐसे लोगों का जो विवाह होता है तलाक की नौबत आ जाती है और कोर्ट के मुकाम तक पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हम इनके अगर हम शादी की बात करते हैं तो इनकी जो अभी दूसरी शादी का योग बन रहा है, तो ये इनकी दूसरी शादी का योग भी बना रही है, जो कि अब शादी का इनका बिल्कुल 2 साल के अंतराल तक इनका मैरिज होना भी निश्चित माना जा रहा है। अब इनका पहला जो और दूसरा सवाल था कि मेरी पदोन्नत कब होगी, अब यहाँ से एक मुखी रेखा जो कि हमारी शनि के पर्वत की तरफ देख रही है, तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने पराक्रम से अब यहाँ पर इनको एक पदोन्नत होते हुए भी दिख रही है, जो कि अपनी लाइफ में इस चीज़ को हासिल करेंगे। अब यहाँ पर हम इनके चंद्र के पर्वत को देखते हैं। चंद्र का पर्वत थोड़ा सा दबा हुआ, तो ऐसे लोग थोड़े से भावुक टाइप के होते हैं, इनको अपने आप में थोड़ा सा फीलिंग आती है, कई बार इनको सब कुछ मिला हुआ होता है लेकिन इनका मन सुख से नहीं रहता है, अपने आप को एक नेगेटिविटी लाता है, कई बार ये अकेले में रोने का भी काम करते हैं। यहाँ पर 2-3 लाइनें ये जो इनको इशारा कर रही हैं
कि मतलब अपने काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर में इनका आना जाना लगा रहेगा, और यहाँ पर एक त्रिकोण भी वर्गाकार भी बन रहा है, तो ऐसे लोग बाहर से पैसे कमाने का भी काम करेंगे। और यहाँ पर ये दो तीन रेखाएं हैं जो कि अपने माता पिता की सेवा भावना रखने का काम करेंगे, माता पिता का सम्मान करेंगे, उनकी सेवा भी करेंगे। अब यहाँ पर एक रेखाएं, दो रेखाएं और हैं, तो ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में हर संघर्ष का सामना करते हैं और अपने दुख में हर स्थिति को निपटने के अंदर इनके समर्थ शक्ति है और कला है। अपने दुखों की खुद इसका इलाज खुद ही करते हैं, किसी और दूसरे का सहारा नहीं लेते हैं। आज मुश्किलें कितनी भी हो, सुबह तक तो शाम तक उसका निदान भी ढूंढ लेंगे। अब ये निम्न का मंगल थोड़ा सा उठा हुआ है और यहाँ पर राहु रेखाओं का वार भी है, तो जो इनकी मैरिज में कारण बना है, छोटी छोटी बात को लेके ईगो की भावना पैदा हुई है, मतभेद हुआ है पत्नी के बीच में, तो ये राहु रेखाओं का वार भी काफ़ी इनके लाइफ में आ गया है। इसी के साथ हम ये शुक्र का पर्वत देखते हैं। शुक्र का पर्वत ये उठा हुआ है, जब शुक्र का पर्वत उठा हुआ होता है तो ऐसे लोगों को हर चीज़ें, शुक्र की चीज़ें, सुख की चीज़ें अच्छी लगती है, अच्छा खाना इनको अच्छा लगता है, इनको गाड़ियों में घूमने का शौक़ मिलता है, और इनको नए कपड़े पहनने का शौक़ होता है। मतलब इनको जो शुक्र की सारी भौतिक चीज़ें होती है वो सुख देती है, लेकिन इनको थोड़ा सा कामुक भावना भी देती है, और इनकी लाइफ में ये थोड़ा सा लग्जरियस लाइफ भी मिलते दिख रही है, जो कि अपने जीवन में काफ़ी आनंद पूर्ण तरीके से अपने ज़िंदगी का निर्वाह करेंगे। अब इसी के साथ मैंने इस वीडियो के माध्यम से इनके पूरे सवालों को जवाब देने की कोशिश की है, और इनके पूरे सवालों का जवाब मिल गया होगा, और आप सबको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।